बात करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना या OEPD, एक उत्पाद के जरिए स्वरोजगार देने की कवायद बड़ी तेज है। इसके तहत सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन ये योजना बाराबंकी में करप्शन का केंद्र बन गई है। इनमें करीब 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बाराबंकी की आर्यवत ग्रामीण बैंक सूरतगंज से लोन लिया गया, लेकिन यूनिट लगी नहीं, पूरे पैसों का 20 लोगों को भुगतान हो गया। अब मामले की जांच चल रही है और 20 लोगों को नोटिस भेजा गया है। वहीं आरोपी बैंक मैनेजर रामलाल का सफाई में ये कहना है कि जब लोन पास हुआ था तब यूनिट लगाई गई थी। 14 लोन में कुछ PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना की थी, कुछ ODOP की थी और तीसरा स्कीम है मुख्यमंत्री रोजगार योजना। तीनों स्कीम में ऋण स्वीकृत किए गए थे। वो सभी फाइलें बाराबंकी से जिला उद्योग कार्यालय से आई थी। नहीं, शिकायत हमको प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमारी विभागीय कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन लोगों का लोन पास हुआ उनका कहना है कि बैंक मैनेजर और बैंक मित्रों ने धोखाधड़ी करते हुए उनके पैसे हड़प लिए। तो कह रहे थे लोन लेना है, तो हमने मना कर दिया कि लोन नहीं लेना है। फिर उन्होंने कहा लोन ले लो, फायदा में रहोगे, छूट भी दिला दें, बैंक मैनेजर से मिलके छूट भी दिला देंगे। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा 5 लाख तक का ले लो। तो हम कह रहे ठीक है, चलो ठीक है, बात करेंगे। फिर 2-3 दिन बाद फिर आए तो फिर बातचीत किया, तो 5 लाख के लिए हमने लोन लिया था। फिर जब नोटिस आई तो देखा उसमें 9.5 की नोटिस आई, 9.5 लाख की। बाराबंकी में अभी तक करीब 2 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ करप्ट ऑफिसर्स इन्हें पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा, बाराबंकी। आज मौसम की, यूपी के कई इलाकों में हुई बारिश ने एक बार फिर नदियों को उफान पर ला दिया है। गोरखपुर में रोहिणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अगर आप राप्ती की बात करें तो तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद जिला प्रशासन, NDRF, SDRF की टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश ने नदियों को खतरे के निशान पर ला करके खड़ा कर दिया है। रोहिणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो वहीं राप्ती भी तेजी के साथ बढ़ रही है। यही वजह है कि जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग, बाढ़ चौकियां, NDRF और SDRF की टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है। अभी वर्तमान समय में किसी गांव में ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड में हैं। अगर कहीं किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे जनपद गोरखपुर में NDRF और SDRF की दोनों टीमें यहां पर ऑलरेडी पहले से डिप्लॉयड है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सभी जगहों पर समुचित व्यवस्थाएं हैं। यूपी में हुई तेज बारिश ने जहाँ कई शहरों का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं नदियां भी उफान पर आ गई है। पूर्वी यूपी की बात करें तो सभी नदियां तेजी से बढ़ रही हैं। गोरखपुर के त्रिमुहानी घाट पर रोहिणी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो अधिकारी हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं, क्योंकि राप्ती भी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और लगभग 1 से 1.5 RL की रफ्तार के साथ वो हर 24 घंटे में बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि जो बाढ़ चौकियां उनको अलर्ट मोड पर ला दिया गया और इसके साथ ही जो NDRF SDRF की टीम है वो भी सक्रिय हो गई है, ताकि बाढ़ ग्रस्त होने पर अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई गांव डूबता है तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही राहत पहुँचाई जा सके। नीरज श्रीवास्तव, ABP गंगा, गोरखपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।